राज्यसभा सांसद व राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को बेदीहाता स्थित हनुमान मंदिर पर प्रसाद का वितरण किया। इसी के साथ राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया। इस दौरान शिव प्रताप शुक्ला ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सरकार द्वारा जारी कोविड-19 से बचाव के नियमों का 100% पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि बड़े मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की पूजा करने से अति विशिष्ट लाभ होता है। मान्यता के अनुसार श्री बजरंग बली जी की आराधना करके देशवासियों पर आए हुए संकट दूर कर मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना की गई है। आज के दिन पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है और बजरंग बली की कृपा भक्तों पर बरसती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, मास्क लगा भी दीजिए, लगा लो अभी लगा। वास्तव में ये ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार है और हर वर्ष हम लखनऊ में भी किया करते थे, वहाँ कोविड के नाते बंद है। मैं यहाँ था, इस नाते हमने कहा कि उस कार्यक्रम को श्री हनुमान जी के दरबार में ही कर दिया जाए। तो उसी क्रम में मैं सभी लोगों को मास्क भी वितरित कर रहा हूँ, प्रसाद भी दे रहा हूँ। ये कार्यक्रम आज का कार्यक्रम है। जय हनुमान जी।